आर्ट्स के बारे में, कब ये बना और क्यों बना? तो ये बहुत पहले से, आई थिंक 1920-25 के आसपास कोई वॉकर करके एक आदमी था, उसका पर्सनल आर्ट गैलरी था, फिर बाद में पब्लिक के लिए खोल दिया, उस समय से है। तो इसका हिस्ट्री तो यही है, ज़्यादा डिटेल में पता नहीं है, ब्रीफ हिस्ट्री यही है। और इसके बारे में यही है कि ये आर्ट का है, सब कुछ आर्ट का यहाँ पे सब कुछ है, स्कल्पचर है। स्कल्पचर गार्डन का अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक जो है डाल दूंगी, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। ये वाला जो वीडियो है मैं पहले डाल चुकी हूं, आज जो है सिर्फ बोकर आर्ट्स का डाल रही हूं। पेंटिंग होगा, ऐसा मूविंग पिक्चर्स का भी, मतलब जैसा सिनेमा और ऐसा कुछ, उसका भी आर्ट है, नाटक वाटक भी होता है वॉकर्स आर्ट बिल्डिंग के अंदर। अभी जो है हम लोग वॉकर्स आर्ट के अंदर जा रहे हैं, इसमें कई मतलब फ्लोर हैं जिसपे अलग अलग आर्ट्स हैं, तो अंदर जाते हैं, पहले टिकट लेना होता है, तो फर्स्ट पहले टिकट लेते हैं फिर आपसे बातें करते हैं। तो यहाँ पे जो है मैं आ गई हूँ और मैं टिकट ले ली हूँ, यहाँ पे मेरे पास टिकट है और पर पर्सन जो है यहाँ पे ये टिकट है और $50 पर पर्सन है। वह अंदर जा रहे हैं और अंदर जाके आपको यहाँ के आर्ट से रूबरू करवाते हैं। तो बने रहिए आज के ब्लॉग में और देखिए और इंजॉय कीजिए। और यहाँ पे ये देख सकते हैं कितने अच्छे जो है कैक्टस का बनाया हुआ है, पता नहीं मोती स्टोन कुछ तो ऐसा लग रहा है, तो उससे कैक्टस बनाया हुआ है, कैक्टस ऐसा फ्लोर पे जो है घूम रहा है और नाच रहा है, ऐसा डांस कर रहा है। यहाँ पे एक यहाँ की स्टाफ है जो उसको घुमा रही है, ऑटोमेटिक नहीं घूमता है वो, फ्लोर पर ऐसा चला के भी दिखा रही है, वहाँ पर आप सबको दिख रहा होगा। और आवाज़ इसकी मैं अभी थोड़ा सा सुना देती हूँ। और यहाँ पे ये स्टैचू जो है ऑटोमेटिक यहाँ पे चल रही है, यहाँ पे देख सकते हैं। हमारे साइड में जो आदमी लोग डांस करवाता था ना गुड्डा गुड्डी का, ऐसा हाथ से, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक से लगाया हुआ है वहाँ पे। फोटो पेंटिंग वगैरह है वहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे स्टैचू है। यहाँ पे यह आपको जो दिख रहा है टीवी बिल्कुल नहीं है और यहाँ पे प्रोजेक्टर भी नहीं है, पता नहीं अंदर दीवार में ही ऐसा स्क्रीन फिट है जो कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। और जैसे कि यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, यहाँ पे एक नाटक चल रही है, कुछ समझ में नहीं आया बट चल रही है नाटक, और यहाँ पे ये प्रोजेक्टर से प्रोजेक्ट हो रहा है, एक ज़माने में हुआ होगा नाटक तो उसी का बचा के प्रोजेक्टर से अभी प्रोजेक्टर पे दिखा रहे हैं। और यहाँ पे ये पता नहीं कौन सा आर्ट है, आई डोंट नो। और यहाँ पे एक ये आर्ट है जो कि मेरे को बहुत ही सुंदर लगा, और ऐसा पहले से पतला दिख रहा था और ऐसा ऑटोमेटिक नाच नाच के ऐसा बड़ा सा फर दिख रहा है ना, तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये फर वाला। और यहाँ पे एक लाइट जो दिख रही है आपको, पता नहीं क्या है, कैसे बनाया हुआ है, इसमें ना बिजली ना तार, अंदर ऑटोमेटिक लाइट कैसे घुसाया हुआ है, जल रहा है, मतलब आर्ट इज आर्ट है भाई। चेयर पे बैठने पे ऐसा दोनों साइड में अलग बैठेगा, ऐसा लगता है इस मिरर में कि साथ में बैठा है। मैं सूर्यांशु आपको दिखाती हूँ करके कैसा होता है। सूर्यांशु जो है बैठ गया है अभी यहाँ पे और मैं जाके उधर बैठूंगी।
तो देख सकते हैं ऐसा लग रहा है कि सूर्यांशु जो है मेरा गोद में बैठा हुआ है। ये कौन सा आर्ट है समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे एक ऐसा प्रोजेक्टर से जो है स्टोरी चल रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे ये ऐसा प्रोजेक्टर होता था पहले, तो यहाँ पे कुछ तो लड़ाई और मार धाड़ दिखा रहा है स्टोरी में। बट यहाँ पे ये कौन सा आर्ट है, पूरा जो पुराना आईफोन है सबको ऐसा तोड़ा हुआ है और एक बेड जैसा रखा हुआ है उस पर रखा हुआ है, ये कौन सा आर्ट है आई डोंट नो। यहाँ पे एक ये आर्ट है, और यहाँ पे एक कोट और जो फ्रॉक है, यहाँ पे एक टीवी में जो है उसी चीज़ का नाटक चल रहा है। वो कैसे काम करता था वो, जैसा कोट में बैक साइड में मिरर है और जैसे वो लेडीज़ का गाउन है, वो सब नाटक वहाँ पे दिखा रहे थे। बट पूरा नहीं दिखा सकते ना, क्योंकि थोड़ा सा बियर्ड था, मतलब एडल्ट के लिए था, तो इसके लिए थोड़ा नहीं हम उसको पूरा नहीं शूट कर पाए और नहीं आप सबके साथ शेयर कर सकते हैं। ये आर्ट में वो वाला है जो कि बहुत लोग शेयर करते हैं ना, कि इसमें बताओ कि पहले पानी किस में जाएगा, सबका नीचे से जो पाइप है कनेक्टेड है। यहाँ पे वही चीज़ है, सेम है, बट इसमें आप देख सकते हैं कि सभी में समान जो है क्वालिटी में, उसमें कुछ भी रहे जो भी है लिक्विड वो सेम है, और सबका नीचे से पाइप जो है कनेक्ट है, बट फिर भी किसी में ज़्यादा किसी में कम नहीं है, सेम है। तो ये आर्ट है, समझ में आ रहा है कि नहीं, चलो ये आर्ट है भाई, कैसे है। सो यहाँ पे ये अंडे का जो है कुछ तो प्रोजेक्ट हो रहा था, यहाँ पे देख सकते हैं बड़े छोटे, छोटे से भी छोटे अंडे का वैरायटी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे प्रोजेक्टर से प्रोजेक्ट हो रहा था। ये आर्ट बड़ा मज़ेदार है भैया, बिना पानी हवा धुआं का ये कैसे हरा है। यहाँ पे सिर्फ नीचे थोड़ा सा ऐसा मिट्टी जैसा लग रहा है रखा हुआ है, बट ये ऊपर कैसे हरा है, ये गजब का आर्ट है। ये कौन सा आर्ट है मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आया। यहाँ पे ये जो है लिखा हुआ था कि अनियन है इसके अंदर, अनियन के ऊपर जो है पेंट करके और रखा हुआ है, ये 10 बिक्स जो है अनियन पुराना है। यहाँ पे ये लगता है कि चूहा आर्ट बनाया है, चीज़ के साथ जो है ट्रेन से खेल रहा है। यहाँ पे पूरे वॉकर आर्ट में सूर्यांशु और कुछ नहीं अच्छा दिखा, यहाँ पे ही अच्छा दिख रहा है। यहाँ पे एक ए आर्ट है जो कि आपको दिख रहा है, ब्लैक ऐसा कार्टन जैसा बोर्ड में जो है पानी उसमें डाला हुआ है। यहाँ पे ये दिया हुआ था इन्फॉर्मेशन कि नाटक करते थे ना, तो इसको, इस नाटक को यूज करते थे, पानी में इसके अंदर जाते थे और पानी में ही ऐसा अंदर छुप जाते थे, मतलब इतना थोड़ा सा पानी में छुप जाना, मतलब इट्स अ ट्रिकी। अब चलते हैं दूसरे आर्ट की तरफ, अब दूसरा नमूना देखते हैं। यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है ये नमूना आर्ट, ये कैंडल जो है मतलब कैंडल जो है ये रस्सी के सहारे है, और जब कैंडल का लौ जो है रस्सी के पास आएगा और रस्सी जलेगा, फिर उसके बाद जो है टेबल के ऊपर जाएगा और फिर टेबल जो है रस्सी से छूट जाएगा और गिर जाएगा। मतलब क्या है आई डोंट नो, कौन सा ये आर्ट इसको बोल सकते हैं। ऑब्जेक्ट तोड़ना ही है तो कैसे भी तोड़ सकते हैं, मतलब ऐसा उठा के पटक सकते हैं, नहीं। यहाँ पे एक ये आर्ट है जैसा कि आपको दिख रहा है कि यहाँ पे चेयर जो है एक अपना सर छुपा लिया, सर छुपा के और सिर्फ टांग दिख रहा है, और बहुत ही सलीके से जो है सजाया हुआ है ऐसा रस्सी के नोक पे, आपको ऐसा दिख रहा होगा, और ब्लू लाइट से जो है उसका सुंदरता जो है बढ़ा रहा है। तो अब समझ लीजिए कि क्या है, ये सब हमको तो समझ में नहीं आ रहा है क्या है। अरे ये जो ब्लू लाइट है ना वो कंप्यूटर का रिवॉल्यूशन दिखा रहा है 1985 का, और आई थिंक चेयर कुछ प्रिंस से रिलेटेड है, आई डोंट नो, प्रिंस सिंगर था तो उसका कुछ होगा, आई डोंट नो क्या है, बट यही दोनों है इसका डिस्क्रिप्शन में लिखा है।
यहाँ पे ये जो सर्कल आर्ट है इसको ध्यान से देखिए तो इसका आर्ट का मतलब समझ में आ जाएगा, मुझे बोलने का कुछ जरूरत नहीं है यहाँ पे। अभी चलते हैं इसके अंदर, एक और चल रहा है, इसमें कह रहा है कि 48 जो है 48 बार मूवी जो है एक स्क्रीन पे चल रही है। यहाँ पे आपको दिख रहा है इस पर 48 जो है मूवी चल रही है इस स्क्रीन। टीवी जो है आर्ट के लिए ठीक है, अगर रियल लाइफ में कोई बोले कि एक मिनट बैठ के इसी स्क्रीन पे देख लो तो पागल हो जाए। यहाँ पे आपको ऐसा देखने से लग रहा हो कि ये बनाना जो है हवे में है, बट ऐसा नहीं है। एक्चुअल में ये जो है एकदम बहुत ही पतले रस्सी से ना ये लटका हुआ है ताकि उसे दिखाई नहीं दे रहा है, सामने से सिर्फ दिखाई दे रहा है। टीवी में क्या दिखा रहा है? अरे ये आजकल का पॉप कल्चर और मॉडर्न लाइफ का अलग अलग जो लाइफ का कल्चर है, स्टाइल है, उसको कैप्चर किया अलग अलग पिक्चर में और उसको वीडियो की तरह दिखा रहा है। यही है, तो यही एक आर्ट बन गया। नहीं हाँ, अभी जो है हम लोग 3, 4, 6 गैलरी पे जो है मतलब फ्लोर पे देख लिए, अभी आ गए हैं 8 फ्लोर पे। वाह, यहाँ पे ना इसके ऊपर जो है 8 फ्लोर पे आने के बाद यहाँ पे क्या खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं आप पूरा डाउनटाउन का व्यू जो है यहाँ से मस्त आ रहा है। यहाँ पे ये जितने भी पुराने मॉडल के टीवी हैं वो सारे यहाँ पे म्यूजियम की तरह रखा हुआ है। यहाँ पे पता नहीं क्या है, सिर्फ साउंड आ रहा है, कुछ दिखाई कोई नहीं दे रहा है। यहाँ पे बहुत सारे यूनिक फ़ोटोज़ वगैरह रखे हुए हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पेंटिंग फ़ोटोज़ जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पे जो है अभी हम लोग 9 फ्लोर पे आ गए हैं और 9 फ्लोर पे आके खुले में छत है, जैसे छत पे कुछ प्ले जैसा बनाया हुआ, बड़ा लोग जैसे हॉकी और टेनिस खेल सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे सब लोग खेल रहे हैं। यहाँ पे ख़रीदना पड़ता है टिकट, जितने देर आपको खेलना है वो टिकट खरीदिए और खेलिए। हम लोग नहीं खेल रहे हैं क्योंकि हम लोग खेलने आता ही नहीं है। तो ये अभी जो है छत पे से आपको डाउनटाउन का व्यू और इधर चर्च वगैरह है वो भी दिखाती हूँ, और यहाँ पे ये खूबसूरत सा नज़ारा आपको आर्ट का दिख रहा होगा। यहाँ पे ये भी आर्ट है, यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, और ये भी आर्ट है।
चलो लेट्स गो। ऊपर जो है छत पे से घूम लिए है, अभी इंडोर थोड़ा बहुत देखना बाकी है, अभी अंदर क्या क्या है अभी चलिए अंदर दिखाते हैं। और नाइन्थ फ्लोर जो है लास्ट रहता है, नाइन्थ फ्लोर के बाद आप बाहर जा सकते हैं। तो नाइन्थ फ्लोर पर यहाँ पे पेंटिंग, और यहाँ पे देख सकते हैं लीफ जो है कितना एकदम पतला है, उसको मस्त सजाया हुआ है। और यहाँ पे एक ही घर है जो कि आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे छोटू सा, और उसको शीशा से ढका हुआ है प्रोटेक्ट करने के लिए। और यहाँ पे वॉल पेंटिंग बहुत ही ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल है, यहाँ पे देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है ये वाला। यहाँ पे देख सकते हैं क्या खूबसूरत स्टैचू बना हुआ है। ये टीवी में ऐसा नाटक चल रहा था कि मैं ये शेयर नहीं कर सकती थी, तो इसको थोड़ा सा क्लिप लेके शेयर कर रही हूँ, बाकी नहीं कर सकती क्योंकि एडल्ट के लिए है। यहाँ पे ये देख सकते हैं कितना मैसी आर्ट है, बट फिर भी ये अच्छा लग रहा है। मतलब आर्ट का वही कहना रहता है कि कैसा भी है अगर अच्छा लग रहा है इट मीन्स आर्ट है। तो यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग फिर से लगा हुआ है। यहाँ पे ये जो आपको ऐसा पिक्चर जैसा दिख रहा है, बट ये एक्चुअली में शीशे पे जो है बनाया हुआ है, पता नहीं कैसे, टच करके भी नहीं देखना था कि करके देखे। और यहाँ पे कोई तो ऐसा बीट्स साउंड बज रहा था, और वहाँ पे लड़की जो है डांस कर रही थी। इसमें क्या आर्ट है आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे समझ में नहीं आया। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो पूरे वॉकर आर्ट्स में मुझे ये वाले जो बुक में जो घर बनाया हुआ ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगा। यहाँ पे ये क्या दिखाया जा रहा है, क्या इसमें आर्ट है, मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आया। और इसमें पता नहीं जो आर्ट जानते हैं उनको ज़्यादा समझ में आता होगा कि क्या है, बट मुझे ऐसा कुछ खास लग नहीं रहा है कि ये है क्या, बट आर्ट है, देखने आए हैं तो ये भी देखने आ गए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको आज का ये वॉकर आर्ट्स का जो मिनियासोटा का टूरिस्ट प्लेस है अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।